नमस्ते सदावत से मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिरकार जर्मनी भारत के खिलाफ बयानबाजी पर क्यों उतर आया है और उसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। दरअसल इसके पीछे एक पुरानी कहानी है जिसको लेकर जर्मनी चिढ़ा हुआ है और भारत से बदला निकालने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये बात कई देशों को हजम नहीं हो रही है। चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमें समझना बेहद ज़रूरी है और आज के सिनेरियो में ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अगर आप मजबूत हैं तो कई देश आपके विरोध में भी आएंगे तो कई देश आपके साथ समर्थन में भी आएंगे। तो इसीलिए इस एनालिसिस को आज हम जानते हैं कि आखिर जर्मनी की क्या वो वजह है जो कि भारत के पीछे वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर कश्मीर विरोधी बातें कर रहा है। दोस्तों 2 साल पहले भी जर्मनी ने अपना ऐसे ही रंग दिखाया था। दरअसल जर्मनी की एक कंपनी है, उसका नाम है हेकलर एंड कोच। जिस समय पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव शुरू हुआ तो भारत को स्पेशल फोर्सेस के लिए लाइट मशीन गन्स की जरूरत पड़ी। इस कंपनी की MP5 सब मशीन गन को पहले ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और भारतीय नौसेना के जो मार्कोस कमांडो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साल 2020 में दोस्तों इस कंपनी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जर्मन एक्सपोर्ट लॉ हथियार भारत को सप्लाई करने की मंजूरी नहीं देते हैं। उस समय कंपनी ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति का हवाला दिया था। जर्मनी में सरकार की तरफ से छोटे हथियार के निर्यात की मंजूरी लेना अनिवार्य है, चलो ये तो आपका कानून कहता है कोई बात नहीं। लेकिन कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब जर्मनी ने कहा था कि उनकी कंपनी की तरफ से भारत को हथियार के निर्यात को अब मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जर्मनी भारत से खिंचा हुआ है। दरअसल दोस्तों जर्मनी ने आतंकवाद का जिक्र किए बिना ही कश्मीर की बात छेड़ दी। विदेश नीति के जानकार भी यही कहते हैं कि जर्मनी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक के बयान के पीछे वो एहसान छिपा है जो पाकिस्तान ने किया। दरअसल पिछले साल जब अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथ में आई और यहाँ से विदेशी फौजें अपने देश चली गई तो पाकिस्तान के हाथ में वो चाबी आ गई जो यूरोप में उसकी स्थिति को मजबूत कर सकती थी। जर्मनी वो जगह है जहां पर अफगानिस्तान के शरणार्थियों की संख्या हजारों में है और अब जर्मनी के चांसलर चाहते हैं कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को पाकिस्तान में जगह मिल जाए। जर्मनी भी यही चाहता है कि पाकिस्तान न सिर्फ इन शरणार्थियों की स्क्रीनिंग करे बल्कि सुनी पश्तून शरणार्थियों को वहीं पर रोक दे। इससे पहले भी जर्मनी के विदेश मंत्री की तरफ से कश्मीर को लेकर जो पाखंड दिखाया गया वो उनके अपने हित में था, ना कि उसे घाटी के लोगों का कोई भला होना था। दोस्तों ये एक ऐसा समय आ चुका है, फिलहाल तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार इस मसले को अपने फायदे के लिए अप्रयोग तो करती है लेकिन ज़्यादा नहीं कर रही है। ऐसे में ये जो बयान जर्मनी की तरफ से आया है वो वाकई में भारत को एक तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों जर्मनी ने जो कश्मीर पर बयान दिया है उसके पीछे का एक और कारण है, वो है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। भारत सरकार इस समय यूरोप और अमेरिका की तरफ से तय की गई लाइनों को मानने से इनकार कर रही है। जर्मनी वो देश रहा है जिसने जंग के समय से ही रूस की सैन्य और आर्थिक ताकत को तोड़ने का काम किया। भारत ने हमेशा से जंग पर एक अपनी स्थिति कायम रखी जिसके तहत उसने दोनों देशों से जंग को बंद करने पर बात कही और इस जंग को खत्म करने के लिए कहा। यही इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अब ये युद्ध का समय नहीं है। दरअसल दोस्तों भारत ने अपना ये रुख इस मसले पर न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा बल्कि व्लादिमीर जेलेंस्की के सामने भी ये बात कही। साथ ही भारत की स्थिति और बाध्यताओं को अमेरिका और फ्रांस के सामने भी रखा गया। दरअसल जर्मनी चाहता था कि यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों को फॉलो न करने पर भारत को सजा मिले और साथ ही क्वाड की तरफ से चीन को लेकर जो मजबूत रुख अपनाया गया है उसने जर्मनी की ऑटो कार की बिक्री और निर्यात को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जर्मनी को इस बात की भी जलन हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलकर भारत का वैश्विक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से सुरक्षा परिषद पे भारत, जापान और जर्मनी के विस्तृत रोल के लिए लगातार समर्थन भी किया जा रहा है। जर्मनी को दोस्तों ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि भारत को यूरोपियन साम्राज्य के बराबर कैसे रखा जा रहा है। समझ सकिए कितनी बड़ी बात जर्मनी सोच कर बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों जर्मनी ने जो आपत्ति जताई थी कश्मीर को लेकर उसके बारे में हमारे विदेश मंत्रालय ने सख्त जवाब भी दिया और बोल दिया कि भैया इसमें किसी तीसरे देश की हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है, आप ना पढ़े तो बेहतर होगा।
इसीलिए यहाँ पर जर्मनी को तो उसी की भाषा में जवाब दे दिया गया, लेकिन जर्मनी की ये जो पूरी टीस है जो भारत के पीछे उसने झोंक दी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है, किस तरीके से वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत अपनी स्थिति मजबूत करके बैठा हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की बोले कश्मीर के बारे में या फिर जर्मनी बोले या फिर अन्य कोई ऐसा देश जो कि पाकिस्तान का सपोर्टर है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है हम वो करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।